राधे राधे जय श्री कृष्ण। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो फरवरी में 5 ग्रहों की युति हो रही है उसके बारे में आपको बताया, और मैंने उस वीडियो में कहा कि ये एक साइलेंस है उस तूफान के आने से पहले का। इस वीडियो में मैं ऐसी बात आपसे शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही अलग है। 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च, ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि 28 फरवरी को ये 5 ग्रहों की युति बनेगी, चंद्रमा की, शनि देव की, मंगल की, शुक्र की और बुध की मकर राशि में। उसके ठीक नेक्स्ट डे 1 मार्च को महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि के ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक और युति बनेगी। और ये जो युति होगी वो होगी सूर्य, गुरु और चंद्रमा की। जब चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब ये युति बनेगी। तो जो 3 डेट्स हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। अब इसमें ये 2 ग्रेट कंजंक्शंस बन रहे हैं इन 3 डेट्स को। एक तो वो पहला 5 जो मैंने आपको बताया, और जो दूसरा वो सूर्य, गुरु और चंद्रमा का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े समझने की बात है कि ये एक्चुअली हमें क्या बताया जा रहा है, या ये हमारे लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। सूर्य, गुरु और चंद्रमा की युति नॉर्मली साल में एक ही बार बनती है, नॉर्मली। इन सर्टन सिचुएशंस मैंने जो देखा है, स्टडी किया है, सूर्य, गुरु, चंद्रमा की युति साल में एक ही बार बनती है। अब प्रश्न ये है कि ये युति इस बार क्यों स्पेशल है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये युति बन रही है सूर्य, गुरु और चंद्रमा की, उसके साथ ही साथ में सेम डे सेम टाइम एक और युति बन रही है मकर राशि में, जिसमें शनि देव, मंगल और बुध, शुक्र विराजमान होंगे। तो ये जो 2 कंजंक्शंस हैं वो हमें 2 मैसेज दे रहे हैं, 2 मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये कंजंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये जब ये कंजंक्शन एंड होगा तो उसके बीच में शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। सूर्य, गुरु, चंद्रमा का अर्थ ये होता है बेसिकली सूर्य आत्मा है, तेज है आपका, मून इमोशंस है, मन है आपका, और गुरु वो ऊर्जा है, वो लाइट है जिसके कारण हम एग्जिस्ट करते हैं। जब ये 3 एक साथ हो जाते हैं इसका अर्थ ये होता है When the body, mind and soul is aligned, they come together. सूर्य, गुरु, चंद्रमा की युति यही बताती है हमें। It is the alignment of body, mind, soul and breaking of illusion and birthing of new energy. लेकिन इस कंजंक्शन के साथ साथ एक कंजंक्शन जो और हो रहा है मकर राशि में, वो डिस्ट्रक्शन को बता रहा है। शनि देव, मंगल, बुध और शुक्र जो मकर राशि में कंजंक्ट करेंगे वो उस तूफान की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, उस वॉल्केनिक इरप्शन की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं।
इसका अर्थ यह है कि दो एनर्जी का एक साथ इग्निशन है, एक साथ निर्माण हो रहा है, जिसका रिजल्ट हम आने वाले समय में अपोजिटली महसूस करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कॉस्मिकली इस दुनिया के लिए कि एक बहुत ही पावरफुल शक्ति का उदय होने वाला है वर्ल्ड स्टेज पर आने वाले समय के अंदर। सेकेंडली, ये एक मैसेज है इस पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड गेट रेडी, वर्ल्ड गेट रेडी, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर व्हाट यू आर ओवर हियर। एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, सूर्य गुरु चंद्रमा, वो अपने आप में बड़ी दिव्य है, और दूसरी एनर्जी अपने आप में विनाशकारी है। इसका अर्थ ये है कि ये उस एनर्जी का पॉइंट है जहां पर ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। जब विनाश की एनर्जी की उत्पत्ति हो रही है इस पॉइंट पर, तो उसके साथ साथ उस विनाश को रोकने की भी उत्पत्ति उसी टाइम जोन में ये प्रकृति कर रही है, और ये वो मीटिंग पॉइंट है, ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां पर ये दोनों एनर्जी अपने आप में बर्थ लेंगी। लेकिन इनका जो कार्य रहेगा वो टोटली अपोजिट रहेगा, टोटली अपोजिट रहेगा। एक इस दुनिया को विनाश की ओर लेके जाएगी, और दूसरा उसी विनाश को बचाने के लिए क्रिएट ये प्रकृति कर रही है। माय सोल फैमिली, 28 फेब, 1 मार्च, 2 मार्च, ये जो 3 दिन है, ये अपने आप में बहुत सारा रहस्य रखते हैं, और जहां तक मैंने इसको जाना है अंतर आत्मा की गहराई से, तो मुझे एक ही बात बार बार प्रतीक होती है कि इस पॉइंट से एक ट्रिगर होने वाला आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये जो ट्रिगर है वो कोई छोटा मोटा ट्रिगर नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा पूरे वर्ल्ड स्टेज पर, जिसके कारण ये दुनिया बटने वाली है, सोच बटने वाली है, इंसान बटने वाले हैं, और ये एक अलग ही एनर्जी है। मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है जो हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में छुपा हुआ रहस्य है जो उस पॉइंट के बाद एक्शन में आने वाला है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा, जो मैं 5 प्लैनेट के कंजंक्शन के ऊपर मैंने कहा कि इट इज द पॉइंट व्हेन दिस एनर्जी इज क्रिएटेड, एंड उसका जो रिजल्ट है वो सेम डे नहीं मिलेगा, या सेम डे कुछ अंश मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो वर्ल्ड लेवल पर हम महसूस करेंगे, और इंटरनल लेवल पर भी हम महसूस करेंगे। दीज टू कंजंक्शंस आर द गेम चेंजर फॉर द ईयर 2022, और मुझे ये कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है, कोई सडनली कोई इवेंट इस वर्ल्ड स्टेज पर घटित होने वाला है जो हमें आश्चर्यचकित कर देगा, जिसके लिए वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं है, और ये प्रकृति इतने समय से इसी इवेंट को प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन जब हम ये विटनेस करेंगे तो इस वर्ल्ड के लिए ये बात बिल्कुल सही होगी कि वो जो एनर्जी है जो इस आउटकम को रोकने वाली है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को रोकने वाली है, उसका भी ये उदय है, और ये जो उदय है वो इसका पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, याद रखिएगा, ट्रिगर पॉइंट है, और वो आने वाले समय में हम सबके सामने रिवील होने वाला है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट वीडियो है,
डिफिकल्ट वीडियो इसलिए है मेरे लिए क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है उसको मैं जिस रूप से उसकी गहराई में जा रहा हूं, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं इसकी व्याख्यान कैसे करूं, और इसलिए जो भी मैं कर सकता था वही मैंने आपके समक्ष रखा है। लेकिन ये इससे भी बहुत अधिक है, ये इससे भी बहुत अधिक है, ये इससे भी बहुत जटिल है, और ये आने वाले समय में तभी हमें पता चल सकता है जब वो चीज हमारे समक्ष आएगी, जो रिजल्ट हमारे समक्ष आएगा। लेकिन इतना यकीन से कहता हूं 28 फरवरी, 1 मार्च जब महाशिवरात्रि है, और 2 मार्च, ये तीन दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के लिए, और ये जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो इसी तीन दिनों के अंदर होने वाला है, और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय तक रहेगा, आने वाले समय तक रहेगा। इसका मतलब मैं एक लंबे पीरियड की बात कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं जितना मैं आपको कह पा रहा हूं उससे अधिक आप जाने, समझे, महसूस करें मेरे वर्ड्स को, बिकॉज दिस इज समथिंग बिग आई एम टॉकिंग अबाउट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।